केजरीवाल जी को ईडी ने बुलाया और केजरीवाल जी अब आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे? अगर वास्तव में आप ईमानदार हो, आपने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है, यदि केजरीवाल के पास काला धन नहीं है, यदि केजरीवाल के पास बेनामी संपत्ति नहीं है, या केजरीवाल के पास आय से संपत्ति नहीं है, तो ईडी के बुलाने पर वहां जाने में क्या दिक्कत है भैया? सांच को आंच क्या? अगर वास्तव में आप ईमानदार हो तो आप आराम से जाते, ईडी के सारे सवालों का जवाब दे देते। अब आप कभी चुनाव का बहाना बना के, कोई और बहाना बना के कह रहे कि नहीं, पहले तो आप कहते थे कि सीबीआई हमको दे दो, ईडी हमको दे दो, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आपका नारा था। आपने तो 50 नेताओं की लिस्ट भी जारी किया था 2012 में कि ये भी भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट हैं, ये भी भ्रष्ट हैं, जिनको आप भ्रष्ट बताते थे आज उनके साथ गलबहिया आप कर रहे हो। जिनको आप केजरीवाल भ्रष्ट बता रहे थे उनके साथ मंच पे भी खड़े हो रहे हैं, और अब तो ये भी कह रहे हैं कि ईडी जो है उनको गलत फंसा रही है। पहले लालू को चोर कहते थे, सोरेन को चोर बताते थे, ममता बनर्जी को भ्रष्ट बताते थे, कांग्रेस के राहुल गांधी सोनिया गांधी को भ्रष्ट बताते थे, वाड्रा को भ्रष्ट कहते थे, प्रियंका गांधी को भ्रष्ट कहते थे, शरद पवार को भ्रष्ट कहते थे, अब्दुल्ला को भ्रष्ट बताते थे, स्टालिन को भ्रष्ट बताते थे। भारत में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसको केजरीवाल जी भ्रष्ट नहीं कहते थे, कहते थे मैं ईमानदार हूं। और अब जबकि संजय सिंह की जमानत बार बार खारिज हो रही है, सिसोदिया की जमानत खारिज हो रही है, सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज हो रही है, जब तीन मुख्य सलाहकार सिसोदिया, संजय और सत्येंद्र तीनों जब जेल में चले गए और ईडी अब बुला के पूछताछ करना चाह रही है तो सामने नहीं जा रहे। मैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों से पूछ रहा हूं, आम अगर केजरीवाल ईमानदार हैं, यदि केजरीवाल के पास कालाधन नहीं है, बेनामी संपत्ति नहीं, आय सरी संपत्ति नहीं है, यदि केजरीवाल ने शराब के घोटाले में पैसा नहीं लिया है, तो ईडी को जाके बताने में क्या दिक्कत है? अब ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमको जो है भैया मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट तक आया, वहां से सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, सत्येंद्र जैन का मामला हाई कोर्ट तक गया, वहां से उनको जमानत नहीं मिली है, संजय सिंह का भी मामला चल रहा है, लगातार उनकी बेल खारिज हो रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, लेन देन तो हुआ है। और वैसे भी पहले कहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने शराब की दुकानें इनको बंद कर देंगे, और लोगों से पूछेंगे, मोहल्ला सभा में पूछेंगे, जहां पे लोग कहेंगे शराब की दुकानें बंद करो उसको हम बंद करा देंगे। सरकार बनते ही ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि विचार बदल गया और जहां दिल्ली में टोटल 300 शराब की दुकानें थी वहां 900 शराब की दुकान खोलने का विचार आ गया, जहां हर मोहल्ले में एक एक शराब की दुकानें थी वहां तीन तीन ठेके खोलने का विचार आ गया, स्कूल के आसपास ठेका खोल रहे, हॉस्पिटल के आसपास ठेका खोल रहे, मंदिर के आसपास ठेका खोल रहे। आखिर केजरीवाल जी को एकाएक विचार आया कैसे? दिल्ली को उन्होंने पूरी तरीके से मैखाना क्यों बना दिया? अगर उनको शराब से पैसा नहीं मिल रहा था, शराब कारोबारियों से पैसा नहीं मिल रहा था, तो दिल्ली में इतने ठेका खोलने की जरूरत क्या थी? शराब से तो गरीब परेशान है, शराब से मिडिल क्लास परेशान है, शराब से अपर क्लास परेशान है, शराब से महिलाएं परेशान हुए, शराबी पतियों से महिलाएं परेशान है, शराबी बच्चों से महिलाएं परेशान है, शराबी जो नशेड़ी माँ बाप हैं उनसे पूरा परिवार परेशान है। ऐसे में नशा कम करने की बजाय इतना ज्यादा नशा का कारोबार दिल्ली में बढ़ाया, इसका मतलब केजरीवाल ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और वही गड़बड़ किया है उनको पता है कि हम अगर जांच में जाएंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वो भाग रहे हैं। मैं तो ईडी के अधिकारियों से भी कह रहा हूं, सीबीआई के अधिकारियों से भी कह रहा हूं, आप मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का नार्को टेस्ट करिए, पॉलीग्राफ टेस्ट करिए, ब्रेन मैपिंग करिए। भाई ये सफेद पोश लोग जल्दी बताते नहीं है, और ये बड़े बड़े नेता हैं, कोई मंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है, कोई कुछ है, इसको पुलिस डंडे से पीट भी नहीं सकती है। एक ही तरीका है, सीबीआई और ईडी को कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करना चाहिए और सिसोदिया, सत्येंद्र और संजय सिंह का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा घोटाला है, कोर्ट इनको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की इजाजत भी कर देगा। मैं गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आप ईडी को कहिए, सीबीआई को कहिए कि तत्काल वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके कोर्ट से मांग करें कि भैया हमको संजय सिंह का, सिसोदिया का और सत्येंद्र जैन का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना है। जिस दिन ये हुआ मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत बड़ा स्कैम नजर आएगा।
अभी तो केवल शराब घोटाला है ना, जिस दिन सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ, उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा खेल हुआ है, कितना बड़ा लेन देन हुआ है। ये शराब के ठेके जगह जगह क्यों खोले गए हैं, शराब पीने की उम्र क्यों घटाई गई है, शराब के ठेकों का टाइम क्यों बढ़ाया गया है, ये सब पता चल जाएगा जिस दिन संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाएगा। मैं जनता से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी के समर्थकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, सिसोदिया ईमानदार है, संजय सिंह ईमानदार है, सत्येंद्र जैन ईमानदार है, तो आप भी एक बार पब्लिकली मांग करो कि भैया एक काम करो, इन तीनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करो। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको जो बहलाया जा रहा है कि नहीं नहीं तीनों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है, पॉलिटिकल जो है रिवेंज लेने के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक झगड़ा इसलिए जेल में डाला जा रहा है, एक बार आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग तो करो। तो और मैं तो कह रहा हूं कि केजरीवाल जी को अगर चलो आज टाइम नहीं मिल रहा है, केजरीवाल जी को खुद आके कहना चाहिए कि मैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, पॉलीग्राफ कराने के लिए तैयार हूं, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल तो पूछताछ से भाग रहे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन केजरीवाल का नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुआ, उस दिन आपको पता चलेगा कि केजरीवाल कितने नक्सलियों के समर्थन में रहे हैं, कितने माओवादियों के कांटेक्ट में रहे हैं, कितने खालिस्तानियों के कांटेक्ट में रहे हैं। पंजाब में क्या चल रहा है वो केजरीवाल बता देंगे, पूरा देश में क्या चल रहा है वो भी केजरीवाल को बहुत सारी बातें पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले मनीष सिसोदिया का नार्को टेस्ट करिए, संजय सिंह का करिए, सत्येंद्र जैन का करिए, और साथ में साथ अगली बार जब भी इनको समय मिले, अभी तो इलेक्शन की ड्यूटी बहाना लग के भाग गए, जब भी केजरीवाल मिले इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितना बड़ा घोटाला पकड़ा गया शराब का, इसका 10 गुना बड़ा घोटाला मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि बहुत लूट हुई है, बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। और अभी तो केवल आपको शराब कारोबारियों की फंडिंग का पता चलेगा, बाद में अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा तो पता चलेगा खाड़ी देशों की भी फंडिंग हुई है, पश्चिम देशों की भी फंडिंग हुई है, अलगाववादियों ने भी फंडिंग किया है इलेक्शन के दौरान, नक्सलियों ने भी बहुत बड़े मात्रा में सहयोग किया है इलेक्शन के दौरान, और देश के अंदर जो काला धन हवाला का पूरा खेल चलता है उसमें भी बहुत बड़ी फंडिंग हुई है इलेक्शन के दौरान। लेकिन इसके लिए सर सीबीआई को और ईडी को नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना पड़ेगा, केजरीवाल का, सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का और संजय सिंह का।